चीन में केमिकल प्लांट में धमाका, दो की मौत, 12 लोग लापता, 34 घायल, 24 घंटे बाद भी आग पर काबू। दुनिया में कोरोना का खतरा, यूएस में एक हफ्ते में 44% बड़ा मौत का आंकड़ा, 24 घंटे में जापान में 1,00,000 से ज्यादा मामले मिले। अमेरिका में बाढ़ से ऐसी तबाही, लगानी पड़ी इमरजेंसी, 19 की मौत, 2,00,000 करोड़ का नुकसान। दुनिया का सबसे ठंडा शहर रहा रूस का याकुत्स्क, तापमान -50 डिग्री सेल्सियस, गोल्ड डायमंड की खदानों के कारण रहते हैं लोग। आईएमएफ ने रोका पाकिस्तान का कर्ज, फ्यूल प्राइस बढ़ाने की शर्त नहीं मानी, आर्थिक संकट से निकलने के लिए मदद को मोहताज। रूस के मिसाइल अटैक के बाद यूक्रेन में रेस्क्यू ऑपरेशन, मरने वालों की संख्या 30-44 लापता, लोगों ने बचाने की उम्मीद नहीं। नेपाल ने प्लेन क्रैश, मलबे से 68 शव निकाले, 4 लापता, ऑपरेशन दोबारा शुरू, सेना बोली अभी तक कोई जिंदा नहीं मिला। पाकिस्तान पीएम का कबूलनामा, शहबाज शरीफ बोले एटीएम ताकत होकर भीख मांगने के लिए शर्मनाक, सऊदी यूएई ने बहुत मदद की। म्यांमार अपने को मारने के लिए बना रहा हथियार, यूएन का दावा, भारत अमेरिका समेत 13 देशों की कंपनी हथियार बनाने में कर रही मदद। सीएम शिवराज सिंह चौहान के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के कारण रीवा के मनावर में उतरा सीएम शिवराज के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। पश्चिम बंगाल के समुद्र में फंसे 600 श्रद्धालु, गंगा सागर जा रही दो नावों को टाइट की वजह से रेत में अटकी। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे, केजरीवाल बोले एलजी ने जरूरी योजनाओं के पैसे रोके, सक्सेना का आरोप से इनकार। दिल्ली में पीएम मोदी ने किया रोड शो, भाजपा की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पहुंचे, बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। औरंगाबाद की प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल के लिए रवाना, बालोद इलाके में अफरा तफरी का माहौल। औरैया में पक्के मकानों में दरारों से फैली दहशत, शिकायत के बाद भी नहीं मिली मदद, करीब 1 दर्जन मकानों में पड़ी दरारें। श्रावस्ती में अचानक पुलिया धसने से हुआ हादसा, ट्रैक्टर पर सवार 2 लोगों की हालात गंभीर, बिनगा जुमनहा मार्ग पर धसी पुलिया। कुशीनगर बिजली की लाइन गिरने से लगी आग, 1 एकड़ में खड़ी गन्ने की फसल जलकर खाक, 1 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड। तीसरे वनडे मैच में भारत ने श्रीलंका को 317 रन से हराया, न्यूजीलैंड का 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, विराट की 46वीं सेंचुरी। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत इंग्लैंड मैच ड्रॉ, आखिरी मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर चुका इंग्लैंड, भारत ग्रुप बी में अब भी नंबर 2 पर। वाईकॉम 18 ने खरीदा वेमेंस आईपीएल का मीडिया राइट, 5 सीजन के लिए बीसीसीआई को मिलेगा 991 करोड़ रुपए, हर मैच की कीमत 7.09 करोड़, वाईकॉम 18 ने खरीदा।